आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवत् वदति तथैव चान्य आश्चर्यवत् च एनम् अन्य शृणोति श्रुत्वापेनम् वेद न चैव कश्चित्। यह श्लोक भगवद गीता के दूसरे अध्याय यानी कि सांख्य योग का 29वां श्लोक है। इस श्लोक में कहा गया कि कुछ लोग आत्मा को बड़े ही आश्चर्य की निगाह से देखते हैं, कुछ आत्मा के बारे में आश्चर्य से सुनते हैं, कुछ आत्मा को बड़े आश्चर्य के साथ उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसके विषय में बतलाते हैं, और कुछ तो आत्मा के विषय में सुनने के बाद भी उसका कुछ अता पता नहीं अनुमान कर सकते। तो दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को सबसे पहले आत्मा की शिक्षा दी है कि आप तो शरीर हो ही नहीं, आप तो आत्मा हो, आप शरीर की चिंता कर रहे हो, आप अपने रिलेटिव्स और गुरु और आपके जो सगे संबंधी हैं उनके विषय में सोच रहे हो, उनको मारेंगे, लेकिन आप किसी को मारते नहीं क्योंकि आत्मा अमर है। और इस विषय की व्याख्या बड़े ही अनोखे अंदाज में श्री कृष्ण ने भगवद्गीता के दूसरे अध्याय में की। पहले अध्याय में तो अर्जुन ने भगवान को अपने दुखों के बारे में बतलाया, अपनी स्थिति के बारे में बतलाया कि कैसे वो बिल्कुल युद्ध नहीं करना चाहते और कैसे वो बिल्कुल भ्रमित हैं और बड़े ही दयनीय स्थिति में हैं, उनके हाथ कांप रहे हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, और वैसी स्थिति में भगवान को गुरु मानकर उनकी शरण में जाते हैं। और तब भगवान श्री कृष्ण उनकी समस्याओं का निदान करते हैं। पहले तो वो समझाते हैं कि अर्जुन कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्यम जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिम करम अर्जुन क्लैब्यम आस्मगमः पार्थ नैतत्वय उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप। अर्जुन उठो, युद्ध करो, यह कैसी अजीब बातें कर रहे हो, इतना समझदार और इतना महान होने के बावजूद यह आपको शोभा नहीं देती, आपका हृदय कैसे इतना दुर्बल और क्षुद्र हो रहा है। फिर उन्होंने आत्मा के विषय में जो बतलाया वो बिल्कुल हमें आत्मसात करना चाहिए, और आज हम फॉर्मूला 44 की मेडिटेशन में इसी थीम को रखते हैं कि हर रोज हमें 5 मिनट कम से कम सुबह और शाम मेडिटेशन करनी चाहिए। और हम भगवद गीता के जो एमिनेंट श्लोक हैं, जो प्रसिद्ध श्लोक हैं, उनको लेकर मेडिटेशन करने का प्रयास करते हैं। तो आज हमने 29वें श्लोक की बात की, और उसके साथ अब हम बात करेंगे कि कैसे भगवान आत्मा सोल के बारे में इतना कुछ बतलाते हैं। वो कहते हैं नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्ययन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अर्जुन, आत्मा को न तो कोई काट सकता है शस्त्रों के द्वारा, आत्मा को न तो कोई जला सकता है अग्नि के द्वारा, आत्मा को न तो कोई शुष्क कर सकता है वायु के द्वारा, और आत्मा को न तो कोई भिंगो सकता है जल के द्वारा। ये उन्होंने कहा क्योंकि आत्मा अमर है, आत्मा इटर्नल है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता। नास तो ही विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। यह भी उन्होंने कहा कि इस ब्रह्मांड में 3 सत्ता जो है वो नित्य है, ब्रह्म भगवान ईश्वर परमात्मा जो भी उनका नाम हम देते हैं वो नित्य है, आत्मा नित्य है, और माया शक्ति नित्य है। और माया शक्ति के जो विकार हैं, जो सब कुछ दिखलाई पड़ रहे हैं, वो एक दिन लीन हो जाएंगे। तो ये 3 तत्व जीव ब्रह्म और माया, ये तीनों अनित्य हैं, इटर्नल हैं, और बाकी सब कुछ टेम्परेरी है। और फिर उन्होंने कहा आत्मा के बारे में न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम
भूत्वा भविता वान भूय अजो नित्य शाश्वतम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा को न तो कोई मारता है न ही आत्मा किसी को मार सकती है क्योंकि आत्मा नित्य है। फिर वो कहते हैं वाशांसी जीर्णानी यथा विहाय नवानी गृहनाति नरोपरानी तथा विहाय शरीरानी जीर्णा नैन्याति संन्याति नवानी देही। यह आत्मा जो है यह बड़ा ही अद्भुत है, यह शरीर को बदलती है। हमारे तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर ग्रॉस बॉडी, सूक्ष्म शरीर सटल बॉडी और कारण शरीर कॉजल बॉडी। तो जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो वह सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के साथ किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो स्थूल शरीर जो रह जाता है उसे जलाया जाता है या उसे जमीन के अंदर गाड़ा जाता है, दफनाया जाता है, लेकिन आत्मा अमर है, अनित्य है, परमानेंट है। तो इसको वो बतलाते हैं कि जैसे हम पुराने कपड़ों को त्याग कर नया वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही शरीर का अंत होता है और फिर नया शरीर आत्मा धारण करती है। फिर भगवान कहते हैं मृत्यु तो निश्चित है, जातस्य ही ध्रुवम मृत्युर जन्म ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका भी जन्म हुआ है उसे जाना ही पड़ता है और जो जाता है उसका पुनर्जन्म होता है, यह भगवान कहते हैं। तो बड़ी ही उत्तम ये शिक्षा है आत्मा के बारे में और ये ध्यान में सम्मिलित करने लायक है। और यह भी हम फिर से एक बार समझ लें कि आत्मा नित्य है, भगवान नित्य हैं, भगवान के तीन रूप हैं, ब्रह्म परमात्मा और भगवान। ब्रह्म के रूप में भगवान हर कणकण में विद्यमान हैं, परमात्मा के रूप में भगवान हमारे हृदय में निवास करते हैं और भगवान के रूप में भगवान राम और कृष्ण रूप लेकर हमारे बीच उपस्थित होते हैं। यह ज्ञान हमें होनी चाहिए और आत्मा उसी भगवान का हिस्सा है जैसे वेव्स होते हैं ओशन में, तरंगे जो समुद्र की तरंगे हैं, दोनों में अन्योनाश्रय संबंध है, तरंग समुद्र से अलग नहीं है, क्वालिटेटिवली दोनों एक हैं, सिर्फ क्वांटिटी में फ़र्क है। लहर समुद्र की एक तरंग है लेकिन समुद्र विशाल है, तो फर्क भी है और फर्क नहीं भी है, भेद और अभेद दोनों हैं, यह बात समझनी चाहिए। और फिर यह मानकर कि आत्मा नित्य है और आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, क्योंकि हम कहते भी हैं कि वो चले गए इस संसार से, तो वो कौन चले गए, उनका शरीर तो पड़ा हुआ है। तो यह हमें जानना चाहिए कि हम आत्मा नहीं है, शरीर और आत्मा अलग है। फिर हम किसी से पूछें कि आप कौन हैं और वो कहे कि मैं रमेश हूँ, मैं राम हूँ, तो वो तो उसका नाम है, वो नहीं है जो वो कह रहा है। फिर वो बोले कि मैं तो एक इंजीनियर हूँ और एक डॉक्टर हूँ, तो वो भी वो नहीं है क्योंकि वो तो उसका प्रोफेशन है। तो यह मैं कौन है इसको जानने की आवश्यकता है, तभी हम स्पिरिचुअल क्षेत्र में आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति कर सकते हैं। तो आज के ध्यान की विधि में यहाँ तक। आश्चर्यवद पश्यति कश्चिदेन माश्चर्य वद वदति तथैव चान्य आश्चर्यवत् च एनम अन्य शृणोति श्रुत्वाप्यनम वेद न चैव कश्चित। 2:29 बड़ा ही अनोखा ही यह भगवान की दी हुई वाणी भगवद गीता में हमने आज के ध्यान विधि में इसको जोड़ा। हम श्री स्वामी मुकुंदानंद जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इसे बड़ी ही बखूबी से अपने कमेंट्री में भगवद गीता द सॉन्ग ऑफ गॉड में बतलाया है। फिर से हम मिलते हैं।